बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फाइजा। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, उसका नाम है फ्राइड सेसमी चिकन। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। 1/2 kg हमें इसके लिए चिकन चाहिए होगा, 1 हमें एग चाहिए, उसके अलावा 4 टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए, 1/2 cup ऑफ मैदा या वाइट फ्लावर, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून सिरका या वाइट विनेगर, 1/2 cup ऑफ हमें सेसमी सीड्स यानी तिल चाहिए, ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें। इसके अलावा स्पाइसेस में जो हमें चीज़ें चाहिए, 4 to 5 गार्लिक क्लोव्स यानी लहसुन के जवे, 1/2 teaspoon ऑफ गार्लिक, ब्लैक पेपर हमें चाहिए होगा 1.5 teaspoon, 1.5 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड 1.5 teaspoon ऑफ चिली फ्लेक्स, और 1 glass हमें इसके लिए पानी चाहिए होगा। अब हम अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो हमारे स्टेप है, उसमें हम एक पैन में चिकन को ऐड कर देंगे। इसके साथ हमने 1/2 glass ऑफ वाटर डाल देना है। इसके अलावा हमने अपना गार्लिक इसमें डालना है, ऐड करना है 4 to 5 cloves ऑफ गार्लिक, और ब्लैक पेपर हमने जो लिए थे 1.5 teaspoon, उसमें से हमने 1/2 डाल दिया है। चिली फ्लेक्स भी हम 1/2 इसमें डाल देंगे और 1/2 को सेव कर लेंगे। इसी तरह सॉल्ट हम इसमें 1/2 ऐड कर देंगे। उसके अलावा हम इसमें अपना विनेगर और सोया सॉस ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि चिकन गल जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए। जी, जब तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है, हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर के लिए हम लोगों ने जो 1/2 cup मैदा लिया था वो डालेंगे, कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और बाकी के हमारे जो ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर था वो हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पानी डाल के इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। ये देखिए, इतना थिक मैंने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। आपने ये मेक श्योर करना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो थिन ना हो जाए, पतला ज़्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, उसमें मैंने अंडे को तोड़ के उसके अंदर ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स डाल के 1 pinch इसको मैंने जस्ट विस्क कर लिया है अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारे स्टेप में ब्रेड क्रम्स के अंदर हम अपने 1/2 जो हैं वो तिल ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। स्लाइटली इसको मिक्स कर लीजिए। चिकन हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसका रूम टेम्परेचर पे आना ज़रूरी है क्योंकि वरना इसके ऊपर बैटर नहीं चढ़ेगा। अब मैं इसको सबसे पहले एग वॉश में डिप करूँगी। उसमें डिप करने के बाद मैं इसको अपने बैटर में डिप करूँगी। अच्छी तरह से इसके ऊपर बैटर की मैं कोटिंग कर लूँगी। बैटर की कोटिंग करने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करके को मैं फ्राई के लिए डाल दूंगी। इसी तरह से 1 by 1 आप पूरे चिकन को कोट करते जाएं और इसमें ऑयल में डालते जाएं। ऑयल हमारा मीडियम हीट पर होना चाहिए, गरम, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं चाहिए। तकरीबन 1 मिनट इसको एक साइड से पकने दीजिएगा, फिर इसके आप साइडों को चेंज कर लीजिए। इस तरह से गोल्डन कलर इस पर आना चाहिए। 1 by 1 सबको आप टर्न कर लें। चिकन बोथ साइड से हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया। अब टाइम है कि हम इसको डिश आउट करें। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है और इसकी बहुत ही अच्छी सी शक्ल लग रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।